ई एवरी वन वेलकम बैक टू अर्पिता शर्मा क्लासेज अर्पिता शर्मा क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज द खिलजी डायनेस्टी दिस इज अ पार्ट ऑफ डेली सल्तनत पीरियड एंड वी ऑल्सो शुड अंडरस्टैंड कि दिस खिलजी डायनेस्टी हैज़ बीन यूपीएससी इज फेवरेडर इट कम्स टू द प्रिलिम्स एग्जाम और इवन द मीन्स आई विल टेल यू दैन इट कम्स टू प्रिलिम्स का एग्जाम ना तो खिलजी डायनेस्टी जो है प्रिलिम्स में अराउंड सिक्स मार्क्स का आ सकता है एंड वेन इट कम्स टू मेन्स इट कैन कम फॉर अराउंड टेन मार्क्स ठीक है दिस इज द वेटेज ऑफ खिलजी डायनेस्टी फॉर बोथ प्री एंड मेन्स ये आपको याद रखना है सो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री खिलजी डायनेस्ट्री प्री एंड मेन्स सिक्स मार्क्स एंड टेन मार्क्स ऑल राइट नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड सो वॉट इज दिस गोइंग ऑन क्या हो रहा है वाई टेन ए एम सेशन इज नेम्ड एस टेन ए एम से इट्स क्वाइट सिम्पल If you are following me on Telegram, you must have seen that I have started a free personal mentorship uh, initiative for UPSC 2024. If you're preparing for UPSC next year, then this is a free personal mentorship initiative that I have started. You have to join my telegram channel. appco description box link. You will get the link of the telegram channel in the description box. You have to join the telegram channel at 7 a.m. in the morning, you will get the uh you know. दी टारगेट्स ठीक है आपको सुबह सात बजे टारगेट्स मिल जाएंगे नाउ टारगेट्स वुड बी फ्रॉम द करेंट अफेयर्स एंड फ्रॉम स्टैटिक टॉपिक्स फॉर एग्जाम्पल टूडे एट सेवन ए एम आई पोस्टेड दीज टू टारगेट्स वन यू हैड टू स्टडी खिलजी एम्पायर तमिलनाडु क्लास इलेवंथ के स्टेट बोर्ड बुक से एंड सेकेंड यू हैड टू स्टडी द हिंदू न्यूज पेपर एंड आई हैव ऑल्सो गिवेन अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल टू स्टडी ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट कोर आर्टिकल्स हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी uh, बहुत हाई है प्रेवल्यूंस में पूछे जाने की तो मैंने वो आर्टिकल्स भी अटैच किया है किए हैं ठीक है देन वॉट हैपन्स कि एट टेन ए एम आई टेक अ डेली सेशन जस्ट नाउ आई एम टेकिंग सॉरी एंड दीज डेली वुड बी ऑन द टॉपिक दैट आई हैव प्रोवाइडेड टू स्टडी ओके एंड देन एट इलेवन ए एम यू विल बी गिवन वन मेन्स क्वेश्चन ग्यारह बजे आपको एक मेन्स का क्वेश्चन मिलेगा विच यू हैव टू अटेम्प्ट एंड यू हैव टू सेंड मी दी डी एफ ऑफ योर आंसर शीट

हंड्रेड प्लस आंसर शीट्स आई टू इवेलुएट हंड्रेड प्लस आंसर शीट्स तो मैं वही इवेलुएट करूंगी जो मैंने डीएम क्यू यहाँ पर आपको दिया है ठीक है एंड देन ऑन द चैनल यू विल बी गेटिंग द क्वेश्चंस क्वेश्चन सेम टारगेट के ऊपर से जो पीछे पूछे जा चुके हैं ठीक है, आज से हमारा फर्स्ट डे स्टार्ट हो रहा है खिलजी डायनेस्टी व्हेन वी टॉक अबाउट द खिलजी इफ यू कैन यू कैन मेक आप क्लास में ही नोट्स बना सकते हो दिस इज अ पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत 1290 टू 1320 दिस इज पीरियड ऑफ खिलजी डायनेस्टी नाउ इट इज नॉट मैंडेटरी टू रिमेंबर द ईयर इन मिडिवल हिस्ट्री बट यू हैव टू रिमेंबर स्पैन ऑफ द रूलर Who was the ruler in a particular dynasty? What were the reforms which were made by those rulers? You can write it down. You have to remember the rulers. You have to remember the reforms which were brought by the rulers. Theke? And how they expanded. Kaha kawon expansion kiya these are the three things in medieval history which you have to remember you can write it down because students they ask me every day ma'am how to remember things in uh, dynasties in empires what to study what not to study these are the only three things that you have to study okay now when we talk about Jalaud, jalaluddin khilji we know that he was the person who established this empire at the age of 70 he established the khilji dynasty

इनके कुछ हार्श कंडीशंस uh, हुआ करती थी बलबन के राज की जिनको इन्होंने हटाने की कोशिश की नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट जलालुद्दीन खिलजी खिलजी के एम्पायर में हम देखेंगे जो नोबल्स हैं ना उनकी सुप्रीमेसी डाउन हो जाती है द सुप्रीमेसी ऑफ द नोबल्स कम्स डाउन नाउ द किंग इज सुप्रीम ओवर हेयर नॉट द नोबल्स ओके एंड जलालुद्दीन नोबल्स हेयर मीन्स द मिनिस्टर्स ओके एंड जलालुद्दीन खिलजी यूज टू थिंक अबाउट द यू कैन से गुड द बेटरमेंट ऑफ दिटिजन्स ऑफ द स्टेट ओके सो ही यूज टू से दोज आर हुर बींग गड उनका सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है इफ यू आर नॉट सैटिस्फाइंग दिटिजन्स ऑफ द स्टेट देन आर यू नो पीरियड टाइम रूलिंग पीरियड वुड बी वेरी शॉर्ट अगर हम जो हमारे स्टेट के मेम्बर्स हैं सिटीजन्स हैं नागरिक हैं उनको खुश नहीं रखेंगे तो हम भी ज्यादा दिन तक रूल नहीं कर पाएंगे यू यूज टू स्टे इन इंडिया

ही हैड वेरी ऑपरेसिव पॉलिसीज रिव्ड बल्बंस पॉलिसीज ऑफ रूथलेस गवर्नेंस ठीक है सो यहाँ पर हम देखेंगे कि वेन वी टॉक अबाउट अलाउद्दीन खिलजी देवर डिफरेंट रेगुलेशन फॉर्मुलेटेड फॉर एक्साम्पल वेन वी टॉक अबाउट हिम हि अलाउद्दीन खिलजी वॉज अ वेरी ऑपरेसिव रूलर ऑपरेसिव रूलर एंड ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्टन सेट ही डिड ही बेसिकली यू नो ऑर्गेनाइज द इंटायर मिलिट्री इन अ वेरी ऑपरेसिव इन हार्श मैनर इन अ वेरी रिजिड मैनर

राइट सो ही न्यू इट कि इफ आई हैव किल्ड माय अंकल द इन द मैनर विच आई हैव ठीक है अब मैंने धोखे से मारा है तो आई पीपल कैन टर्न अगेंस्ट मी आल्सो सो ही यू नो एस्टेब्लिश्ड वेरी एफिशिएंट स्पाई सिस्टम बड़ा अच्छी जासूसी का सिस्टम इन्होंने यू you नो know, uh, इतजा किया था ठीक है एंड ही रिड्यूस्ड दी यूसेज ऑफ वाइन इन हिज स्टेट अपने स्टेट में वाइन का यूसेज कम कर दिया टू से कि इफ यू आर कंज्यूमिंग मोर अल्कोहल यू विल बी वेरी इनएफिशिएंट ही वांटेड हिज नोबल्स एंड मिनिस्टर्स टू बी वेरी एफिशिएंट वो नहीं चाहते थे कि इनके दिमाग में कुछ भी चले तो इसलिए वाइन का यूसेज कम कर दो ठीक है अब यहां पर आप देखोगे अगर कोई भी मैरिज सेरेमनी कोई भी सोशल सेरेमनी आपको करनी है यू हैव टू टेक परमिशन इन एडवांस मंथ्स इन एडवांस फ्रॉम द किंग ठीक है सो विदाउट इज परमिशन यू कैन नॉट कंडक्ट एनी फंक्शन ऑल्सो इन द स्टेट राइट एंड यहां पर फैमिलीज विथ प्रीवियसली फ्री लैंड मस्ट नाउ पे लैंड टैक्स अगर आपके पास जमीन है ठीक है अब उसके ऊपर आप पहले टैक्स नहीं दे रहे थे अब आपको टैक्स देना शुरू करना पड़ेगा सो दैट दी वेल्थ इन इक्वालिटी कैन बी ब्रॉड डाउन सब इक्वल रहेंगे स्टेट में ठीक है कोई किसी से अमीर कोई किसी से गरीब नहीं रहेगा फॉर दैट एवरी वन हैड टू पे द लैंड टैक्स ठीक है देन स्पाइस सिस्टम वॉज इम्प्रूव्ड दिमाग में तो वो चाहते थे पड़ा रहे इन डेली है ना हॉस्काज में आप देखोगे अलाई दरवाजा भी है, भी है Hoscas, में. तो वो दैट हैउद्दीन uh, you know, खिलजी ओनली ठीक है इन कैपिटल सिरी तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर प्रिलिम्स के लिए याद रखना है नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू इंपॉर्टेंट रेगुलेशन दैट वर ब्रॉट फॉरवर्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम मार्केट रेगुलेशन देखें दिस हैज बीन आस्ट अगेन एंड अगेन एंड प्री प्रिलिम्स में ये बार बार पूछा गया है

देन दी मार्केट ऑफ हॉर्सेस जहां पर सिर्फ घोड़े कैटल गोड़, स्लेव को बेचा जाएगा खरीदा जाएगा थ्री डिफरेंट मार्केट कोई भी क्लैशिंग नहीं होगा तीनों मार्केट्स में ठीक है देन दी ही ऑल्सो अपॉइंटेड शाह ने मंडी शाह ने मंडी वॉज शाह ने मंडी जो सुप्रिंटेंडेंट होगा इन मार्केट्स का ठीक है एंड देर विल बी एन इंटेलिजेंस ऑफिसर विच विल हेल्प शाह ने मंडी टू अंडरस्टैंड एंड टू सी ओवर लुक की इफ देर इज नो प्राइस राइज विच इज है पार्ट ऑफ द शॉपकीपर्स ओके okay. देन उन्होंने क्या किया बहुत स्ट्रांग आर्मी मेंटेन करते थे अलाउद्दीन खलजी ठीक है यूज टू मेंटेन अ वेरी स्ट्रांग आर्मी सो इफ यू वॉन्ट टू कीप योर आर्मी मोटिवेटेड यू हैव टू कीप द प्राइस ऑफ कमोडिटीज ऑफ डेली यूज इन चेक है ना उनकी सैलरी तो लिमिटेड ही है ना तो उनको मोटिवेटेड रखने के लिए प्राइस को भी लिमिटेड रखना पड़ेगा ताकि उनके डे डे टू खर्चे निकाले जा सके तो इसीलिए हर कमोडिटी का प्राइस जो डेली यूज एसेंशियल कमोडिटी थी उनके प्राइस को फिक्स कर दिया गया फॉर द आर्मी ऑल्सो टू अफोर्ड ओके टू अ स्ट्रॉन्ग एंड एफिशियंट आर्मी And we know that there was Malik Kafur हमने पद्मावत मूवी में भी देखा था Malik Kafur के बारे में सुना है देखा है तो he was very close to Alauddin Khilji he was appointed as Naib Malik of the empire the overlooker of the administration of the empire all right later on he was also killed when Alauddin Khilji died uske baad nobles ne inke khilaf bhi conspiracy karke inko मार diya <laughs> tha now रिफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं ही टुक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू रिफॉर्म दी लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एग्जाम्पल जितने भी रिच और पावरफुल विलेजेस थे जिनके पास ज्यादा जमीन हुआ करती थी ठीक है तो उनसे उनसे एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाता था ठीक है यहाँ तक पॉइंट सो इफ यू हैव मोर लैंड यू विल गिविंग मोर टैक्स ठीक है अगैन इनकम इन को खत्म करने के लिए ठीक है फर्स्ट मुनार्क इन द सल्तनत अलाउद्दीन खर्जी वाज़ द फर्स्ट किंग इन दर सल्तनत हुए लैंड रेवन्यू वुड भी असैस्ट ऑनसिस नहीं कि बंजर जमीन है तो उस पर भी पैसा दोगे आप टैक्स दोगे नो इफ द लैंड इज अन फर्टाइल देर इज नो कल्टीवेशन गोइंग ऑन टैक्स वुड नॉट बी टेकन देर वुड बी नो प्रार्मर राइट सो द एरिया ऑफ कल्टीवेशन विलजर टू डिमाइन द मनी दैट टू पे किंग ओके okay, तक पॉइंट क्लियर हो गया उस एरिया में जो हुआ करते थे उनको क्या बोलते थे, ठीक है? तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट अबाउट अलाउद्दीन खलजी एंड खलजी नाउ बेस्ड ऑन दिस यू कैन इजीली आंसर द डीएमक्यू दैट आई एम गोइंग टू गिव यूट इलेवन एम ग्यारह बजे जो मैं डीएमक्यू आपको देने वाली हूँ उसको आप इजीली उट uh, you know, uh, we'll so की वॉट आई एम फोकस बैच राइट नाउ एंड प्लस आपका आंसर इस ई मेल आई डी पे आठ बजे से पहले आ जाने चाहिए इफ यू आर अटेम्पटिंग ऑन दिस नोट वी आरिंग सेवरी वन